that every hour a student commits suicide in India. Some shocking news coming in about a 19-year-old girl from Ambattur in Tiruvallur district who's died by suicide after failing the NEET examination. This is serious, and I want it to address now to all the parents, all the students, and everyone listening to this video. So this is a story about Sarvashreshth Pandey. Let us say Sarvashreshth Pandey. Okay, this is a real story. Only the name will be changed. तो सर्वश्रेष्ठ पांडे अपने स्कूल का टॉपर है और टॉपर उसके माँ बाप ने घिस घिस के उसको बनाया है बहुत मेहनत करके उसके ऊपर. और सर्वश्रेष्ठ ने IIT तो छोड़ो, उसने वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल का UG का एग्जाम क्रैक कर लिया अंडर ग्रेजुएट का. क्या करेगा वो, जाएगा चला गया वो. अब सबने उसको क्या बोला होगा क्लास 12th में कि तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल का एग्जाम क्रैक कर लो, उसके बाद लाइफ. वो पहुंच गया, 4 साल का कोर्स था US में, और 4 साल में वो 3 बार अपने घर आ पाया अपने माँ बाप से मिलने, क्योंकि वहां जो लोग पहुंचे थे वो सर्वश्रेष्ठ जैसे ही सर्वश्रेष्ठ थे, सबके सब उतने इंटेलिजेंट थे. तो वहां हार्डकोर कंपटीशन में वो फंसा था. 4 साल बाद क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ की जॉब लगी. कैसी, अच्छी की खराब? बहुत अच्छी, करोड़ों का पैकेज मिला सर्वश्रेष्ठ को, करोड़ों का पैकेज. सक्सेस है ना, सक्सेस है कि नहीं है? बिल्कुल, ये तो सक्सेस है, 1 करोड़ का पैकेज 4 साल बाद, दिस इज गुड. अब सर्वश्रेष्ठ को ये बोला पेरेंट्स ने, जब 4 साल में 3 बार वो घर आया कि पापा बहुत दिक्कत हो रही है बाहर पढ़ने में, बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाई का, तो पापा ने बोला कि 4 साल बाद जॉब मिल गई तो लाइफ. अब सर्वश्रेष्ठ की जिस कंपनी में जॉब लगी, जिस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, सो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो करोड़ का पैकेज देगी ऑफकोर्स, तो बड़ी होगी. फिर वहां पे सर्वश्रेष्ठ को मिला कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, क्योंकि अगेन यहाँ भी वो लोग आए हैं जो सर्वश्रेष्ठ से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे या उसके बराबर के थे. अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन चलना स्टार्ट हुआ, तो सर्वश्रेष्ठ 20-20 घंटे की जॉब कर रहा था, लिटरली ना सो पा रहा है ना अपने हेल्थ का ध्यान दे रहा है. फिर सर्वश्रेष्ठ ने अपने पापा को एक दिन कॉल किया, पापा नहीं हो रहा है, वापस इंडिया आ जाऊं. पापा बोले, क्या बताएंगे सबको यार, यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे कि बच्चा फेल हो गया, मतलब पहली जॉब से निकाल दिया गया, ये झेल नहीं पाया, वापस आ रहा है. बोला, पापा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं यहाँ सो नहीं पाता हूँ, पापा तबीयत खराब हो रही है. बोले, अरे बाकी लड़के भी तो कर रहे हैं, तुम अकेले थोड़ी हो, पूरी दुनिया करती है, सब कर रहे हैं, तुम अकेले अलग पैदा हुए हो क्या? उसने बोला, ठीक है पापा, मैं ट्राई करता हूँ. फिर सर्वश्रेष्ठ ने रेजिग्नेशन डाल दिया कि यार मुझसे नहीं होगा, पापा को रेजिग्नेशन डालने के बाद बताया, पापा ने रेजिग्नेशन डाल दिया. पापा ने कहा, यार अब तो रेजिग्नेशन डाल दिया, पैसा कहाँ से आएगा, अब क्या करेंगे? बोला, पापा इंडिया में जॉब मिल जाएगी, 1 करोड़ की नहीं तो 50 लाख की मिल जाएगी, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं संभाल लूंगा अपनी लाइफ, उतना बड़ा नहीं करूंगा पर खुश रहूंगा जीवन में, जो मेरे अंदर है मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी ढूंढूंगा, वापस आके गंगा नहाऊंगा. उसने भी बोला, मैं गंगा नहाऊंगा, सोचूंगा जीवन में क्या करना है, अपने बारे में डिसीजन लूंगा. तो पेरेंट्स ने उससे कहा कि 1 साल बेटा जॉब कर लो, फिर आ जाना, कम से कम सोसाइटी में ये तो ना पता चले कि तुम फेलियर हो. तो अभी उसके पापा को उसकी हेल्थ से ज्यादा किस चीज की फिक्र है, सोसाइटी की, अगल बगल क्या बोलेंगे सब, कि 1 साल में लौट आया पांडे जी का बेटा. फिर सर्वश्रेष्ठ पांडे लगा रहा, एक रात रो के कॉल किया पापा को, नहीं हो पाएगा पापा. पापा बोले, बेटा पापा रोना देख के देखो, हम सबके पापा की हालत खराब होती है, कुछ कह रहे नहीं, हम तो पीटते रहते हैं तब भी, रोते रहते हैं तब भी, वाला तो नहीं होता है, रोए तो और मारूंगी. पहले बचपन ऐसी धमकी मिलती थी ना मम्मी से, रोए तो और मारूंगी, मम्मी ये क्या है, मतलब ये कैसी धमकी है. तो सर्वश्रेष्ठ पापा निकल गए, बोले बेटा तू वापस आ जा. सर्वश्रेष्ठ ने डिसाइड किया कि मैं वापस आ जाता हूँ, और उसने रेजिग्नेशन डाला. बॉस ने बोला कि यार अभी तो नोटिस पीरियड होता है 3 महीने का, इतनी जल्दी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा. नेक्स्ट डे ही डाइड, ही कमिटेड सुसाइड. Everyone failed in this story. सर्वश्रेष्ठ first of all failed क्योंकि वो अपने parents के सामने अपनी आवाज नहीं रख पाया, अपने parents को convince करने की कोशिश करता रहा, आवाज नहीं रख पाया. अगर आपको लग रहा है कोई चीज life threatening हो गई है, वो आपका सपना नहीं, उसके लिए तुम पैदा नहीं हो, उसके लिए सांस नहीं लेते हो, तो लड़ जाओ दुनिया से, भले ही किसी पेरेंट्स से. सेकेंड नंबर में फेल हुए सर्वश्रेष्ठ के parents, of course. क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा क्या सोचना स्टार्ट कर दिया था,
सशीष बोला मैं वापस आऊंगा 50 लाख। 50 लाख कम हो गए क्या? 50 लाख कोई कम रुपया होता है क्या? बहुत बहुत ज्यादा होता है, इतना खर्चा नहीं हो पाता यार। वैसे तो खर्चा करने को 10 करोड़ नहीं खर्चा करते, उसका कोई मतलब नहीं। एंड द थर्ड हु फेल्ड इज द करंट जनरेशन, जिसको ये स्टोरी पता होते हुए भी आज भी हम लोग नहीं चलते। Do you know that every hour a student commits suicide in India? हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे होंगे 1 घंटे और कहीं इंडिया में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है while we are sitting here। ये सिर्फ स्टूडेंट की बात है, इसके साथ तो पता नहीं कितने सुसाइड है। So it's high time कि हम लोग पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, यार बहुत जरूरी है ये बात बोलना, बहुत समय से प्रेशर देख रहा हूँ।